नमस्कार, लखनऊ वेदर रिपोर्ट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। यदि आप सिर्फ मौसम की जानकारी में रुचि रखते हैं तो हमारे लखनऊ वेदर रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें, ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए जानते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं 24 और 25 अगस्त को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है जानकारी। लखनऊ के आसपास और तराई के जिलों में बारिश की संभावना। लखनऊ अमौसी स्थित आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र ने मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक लखनऊ के आसपास और तराई के जिलों में बारिश की संभावना है। थोड़ी चिंता की बात यह है कि जिन जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है, वह पहले से ही बाढ़ की मार झेल रहे हैं। मौसम विभाग ने जिन जिलों में बौछारों की उम्मीद जताई है, वे जिले हैं अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, ललितपुर, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, बहराइच, श्रावस्ती, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर। हालांकि अनुमान के मुताबिक इन जिलों में भी बहुत तेज बारिश की संभावना नहीं है। राहत की बात यही है, प्रदेश के बाकी जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ मौसम खुला रहेगा। हालांकि बादलों की आवाजाही भी लखनऊ और पूर्वांचल के कुछ जिलों में ही देखने को मिलेगी। 24 अगस्त को भी ऐसी ही मौसम का अनुमान लगाया गया है। 25 अगस्त से बारिश का सिलसिला थोड़ा बढ़ सकता है। अभी तक के पूर्वानुमान के मुताबिक 25 और 26 अगस्त को बारिश में थोड़ी तेजी देखी जा सकती है। तब तक प्रदेश में मौसम खुला रहेगा। शनिवार का दिन भी बारिश के लिहाज से प्रदेश में सामान्य ही रहा। दो चार जिलों को छोड़कर बाकी कहीं भी बारिश नहीं हुई। कानपुर में सबसे ज्यादा 26 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा अयोध्या, रायबरेली, सुल्तानपुर में भी बारिश दर्ज की गई है। झांसी और उरई में भी बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा आगरा और अलीगढ़ में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई। वहीं इटावा में 7 मिलीमीटर जबकि बहराइच में 2.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें, ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।